नमस्कार, आज बात यूपीएस की। यूपीएस यानी यूनाइटेड पेंशन स्कीम, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दी है और 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम को न्यूनतम पेंशन की गारंटी बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। 50% रिटायरमेंट से 12 महीने पहले कर्मचारी ने जो वेतन लिया है उसके औसत का 50%, इतने पेंशन की गारंटी दी गई है। ये गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम जिसे ओपीएस कहते हैं उसमें थी, तो उसको एक तरह से बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी थी ओपीएस की और जिसे लेकर सरकारी कर्मचारी उसे लागू किए जाने की मांग करते रहे और कई राज्यों ने इसे लागू किया भी, कांग्रेस शासित राज्यों ने, वो है कि यह पेंशन कर्मचारी के बिना किसी योगदान के दी जाती थी। मतलब सारी जिम्मेदारी सरकार की थी, सारा पैसा सरकार देती थी। अभी जो यूपीएस आया है इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सरकार अपना योगदान करेगी और कर्मचारी अपना योगदान करेंगे, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में होता रहा है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी। कर्मचारी पहले की तरह 10% योगदान करते रहेंगे, अपने वेतन का 10% जो है वो कर्मचारी भुगतान करेंगे और बाकी जो है सरकार करेगी 14 से 18.5%। उसके बाद एक और शर्त है कि 25 साल कम से कम आपको सर्विस में पूरे होने करने होंगे। 25 साल की सर्विस अगर आपने कर ली तो आपको लास्ट 12 महीने के सैलरी का एवरेज जो होगा उसका 50% पेंशन मिलेगा। अगर आपने 25 साल पूरे नहीं किए तो व्यवस्था ये है कि न्यूनतम 10 साल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने 10 साल कर लिया है तो आपको ₹10,000 पेंशन की गारंटी है। अगर 10 साल से ज़्यादा लेकिन 25 साल से कम है तो फिर वो आपके साल के आधार पर गणना करके आपका पेंशन जो है वो तय किया जाएगा। एक और जो व्यवस्था है इसमें वो फैमिली पेंशन को लेकर है। फैमिली पेंशन को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। मतलब जब एम्प्लॉई की पेंशनर की मौत हो जाती है तो इमीडिएटली उसके निकट आश्रित को जो पेंशन उसे मिलती थी उसका 60% मिला करेगी। अभी ये 50% थी तो 10% का इजाफा यहाँ भी हुआ है। एक और जो फायदा दिया गया है वो ये है कि ग्रेचुटी की रकम के अलावा एक मुश्त रकम दी जाएगी और इस एक मुश्त रकम की गणना जो है आपकी सेवा के साल के आधार पर होगा। आपके वेतन का 10वां हिस्सा हर 6 महीने पर इस फंड के लिए जुड़ेगा। जैसे आपने अगर 20 साल नौकरी की, आपने 25 साल अगर नौकरी की तो 50 बार जो है वो जुड़ा होगा, मतलब एक साल में 2 बार हर 6 महीने पर जुड़ा होगा, आपके वेतन का 10वां हिस्सा इसमें जुड़ता जाएगा। और ये सारी जो रकम है इस पर आपको महंगाई का भी, मतलब पेंशन जो है न्यूनतम पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, इस पर महंगाई का जो असर होता है, जो डीए मिलती है अभी मिलता है वो डीए भी मिला करेगा। जिस भी तरह से अभी जो सर्विस में जो एम्प्लॉई हैं उनको जिस तरह से डीए मिलता है, पेंशनर को भी उसी गणना के आधार पर डीए मिला करेगा। तो ये जो है बड़ी घोषणाएं हैं। पीआईबी ने जो रिलीज जारी की है इसमें मुख्य रूप से इन घोषणाओं को ही बताया गया है और ये इसकी जो डिटेलिंग है कि जो अगर आपने 10 साल से 25 साल के बीच में सर्विस की है, 25 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो जो गणना होगी उसका आधार क्या होगा, वो सब बातें जो हैं आगे हो सकता है सरकार साफ करे। सरकार ने ये कहा है कि इस व्यवस्था की वजह से उसके ऊपर जो बोझ बढ़ेगा वह बोझ करीब करीब 6,250 करोड़ रुपये, 6,250 करोड़ रुपये पहले साल में उसे देना पड़ेगा, जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन 4.5% का बढ़ाया है उसके एवज में, और करीब करीब 800 करोड़ रुपये जो है उनको एरियर के रूप में भी देने पड़ेंगे। ये जो नई व्यवस्था है, ये नई व्यवस्था एनपीएस का फायदा उठा रहे लोगों के लिए भी ओपन है और पेंशनर के लिए भी ओपन है। 2004 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकता है अगर वो
ऑप्ट करेंगे और उसकी गणना जो है उनको कितना फायदा मिलेगा वो उसकी गणना उस आधार पर की जाएगी कि अब तक उन्होंने अपने पेंशन फंड से कितना पैसा ले लिया है। इस गणना का भी जो ब्यौरा है, हिसाब किताब किस तरह से होगा, वो अभी अभी सरकार जो है तय करके बताएगी। तो ये तो बात हुई व्यवस्था से जुड़ी हुई। अब जो सवाल है, सवाल ये है कि इसे माना जा रहा है सरकार का एक बड़ा यू टर्न, और पिछले कुछ ही महीनों में अगर देखें तो ये कम से कम तीसरा बड़ा यू टर्न सरकार का माना जा रहा है। अभी पहले हमने देखा बजट में जब सरकार ने टैक्स से संबंधित इंडेक्सेशन सिस्टम की बात की थी, उसको वापस किया और फिर दोनों ऑप्शन रखा लोगों के टैक्स पेयर्स के लिए। फिर अभी हाल में जो लैटरल एंट्री को लेकर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, और अब इसे भी एक तरह से यू टर्न माना जा रहा है क्योंकि सरकार का अब तक जो है ये रुख रहा था कि पेंशन का बोझ सरकार पर बहुत ज्यादा है और सरकार वह बोझ नहीं उठा सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये यू टर्न है, पूरी तरह यू टर्न नहीं है। दूसरा जो एक फैक्टर है कि सरकार को इससे अपने राजनीतिक विरोधियों को काउंटर करने का भी एक हथियार मिल गया है, क्योंकि दो मुख्य मुद्दों पर सरकार जो है अपने विपक्षियों के निशाने पर रहती थी। ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कि वहां पर 50% पेंशन की गारंटी थी, न्यू पेंशन स्कीम में कोई गारंटी नहीं है। आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसकी तो गारंटी है कि आपको वेतन का 10% और सरकार को 14% देना है, लेकिन पेंशन आपका क्या बनेगा वह बाजार में पेंशन फंड का प्रदर्शन जो है उससे लिंक्ड था। दूसरा जो विरोध होता था वो इस बात को लेकर कि सरकार अपनी तरफ से पैसा देती थी, एम्प्लॉय से नहीं लेती थी। कुछ करीब 4-5 राज्यों में जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान भी हो गया है। तो इस तरह से सरकार को, बीजेपी को एक ये काउंटर करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है सामाजिक सुरक्षा का। पेंशन का भी उद्देश्य यही है, सामाजिक सुरक्षा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि इस कदम का जो उद्देश्य है वो है जो जिन्होंने सरकार की सेवा की उनके सम्मान को बनाए रखना, उनकी डिग्निटी को बनाए रखना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से सामाजिक सुरक्षा हम कितने लोगों को दे सकते हैं, सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, और लगातार सरकार जो है सरकारी नौकरियों की संख्या घटा रही है, सरकार अपने काम जो है वो आउटसोर्स करा रही है, ठेके पर लोग रख के करवा रही है, तो सरकारी नौकरियों में लोग हैं कितने। अभी जो एक अगर 2021 का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, 31.15 लाख लोग जो है सरकारी नौकरियों में थे, ये सिविलियन थे, आर्मी इसमें शामिल नहीं है। आर्मी का अगर 10-12 लाख आर्मी का इसमें ऐड कर दें तो भी वही 45 लाख आप ज्यादा से ज्यादा मान लें, इतने लोग थे। और रेलवे, होम अफेयर्स और डिफेंस, ये 3 ऐसे मंत्रालय थे जहां पर कि करीब करीब 80-85 लोग यहीं पर एम्प्लॉयड थे। रेलवे में 40%, होम अफेयर्स में 31% और डिफेंस रक्षा मंत्रालय में 12%। तो इस दौरान अगर हम एक बेरोजगारी का आंकड़ा लें तो CMIE का डाटा है कि 2008 में बेरोजगारी दर 5.41% थी और जून 2024 में यह 9.2%, 2 गुने से थोड़ा कम। सरकार का वेतन भत्तों पर खर्च इन सालों में बढ़ा है निश्चित रूप से। 11-12 में 95,291.27 करोड़ सरकार का वेतन भत्तों पर खर्च हुआ करता था। 2021 में यह रकम 2,37,055.09 करोड़। तो मोटा मोटा अगर समझें तो 1,00,000 करोड़ से 2,37,000 करोड़ पर पहुंच गया। कर्मचारियों की संख्या अगर घट भी रही है तो भी वेतन भत्तों का खर्च बढ़ रहा है, और यही वजह है कि सरकार लगातार सरकारी भर्तियों पर ध्यान कम दे रही है। जो हमने आपको 2021 का आंकड़ा दिया, उस समय भी जो हमने बताया आपको 31.15 लाख लोग सरकारी नौकरी में थे, उस समय सैंक्शनड पोस्ट जो थी 41.11 लाख, मतलब करीब 10 लाख सरकारी पद उस समय खाली थे, और यह स्थिति आज भी है। और सरकारी नौकरियों के लिए जो मारामारी है वो आप देख रहे हैं। अभी ताजा उत्तर प्रदेश में जो सिपाहियों की भर्ती हो रही है उसमें
कितने पदों के लिए कितने अभ्यर्थी आए हुए हैं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे उपलब्ध कराई जाए, सवाल ये है और सरकार को इस पर सोचने की ज्यादा जरूरत है। और अगर इस पर सोचे तो हो सकता है कि पेंशन की जरूरत भी ना पड़े। जो आज सबसे ज्यादा खर्च होता है लोगों का वो किस पर खर्च होता है? पढ़ाई पर, इलाज पर। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सरकारी शिक्षा तंत्र कमजोर होता जा रहा है और निजी शिक्षा तंत्र हावी होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, और गुणवत्ता जो है उसकी लगातार कम होती जा रही है। हर साल आप ऐसी रिपोर्ट पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जहां पर कि कॉरपोरेट सेक्टर ये कहता है कि जो ग्रेजुएट होकर लोग आ रहे हैं हमारे पास वो इस लायक है ही नहीं कि हम उन्हें नौकरी दे सकें। तो अगर सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर दे तो आदमी अपनी नौकरी करने के कार्यकाल में इतनी बचत कर लेगा कि उस बचत से वो रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे हैं, मुख्य रूप से खर्चा क्या है, खाना और इलाज मुख्य खर्च, तो वो वहन कर सकता है। और इलाज की भी व्यवस्था अगर सरकार ऐसी करे जहां पर कि मरीज लूटे नहीं जाएं, इलाज सस्ता हो और सुगम हो और प्रभावी हो, तो ये सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा होगी। आज जरूरत है इस पर बात करने की, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा अगर आप देना चाहते हैं, जैसा कि इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं देंगे तब तक इसका सही मकसद कामयाब नहीं होगा। पेंशन के नाम पर सरकारी नौकरियों को छोड़ दीजिए आप, पेंशन के नाम बाकी जो लोग हैं, आप कई तरह के पेंशन देती है सरकार, जैसे वृद्धावस्था पेंशन को ही उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 1000, कहीं 1500, इतने पैसे में कैसे गुजारा होगा। प्राइवेट नौकरियों में जो लोग हैं उनको पेंशन की कोई व्यवस्था ही नहीं, अगर वो इस तरह के बाजार में जो उपलब्ध है पेंशन स्कीम उसमें अगर निवेश वो नहीं करें तो। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो असली राहत तो तभी होगी जब आप बच्चों की पढ़ाई और लोगों के इलाज की समुचित, आसान और सस्ता व्यवस्था कर सकें।